कतरा भाई जो तीन होता तुम्हारा का उगाड़ लेता। हम बिन बुलाए की शादी में भी इतना नाच कर आते कि वो भी डर जाते कि ये है कौन सी साइड। सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। गाइस टाइम हो रहा है शाम के साढ़े पाँच हो रहे हैं और अभी देख लो घर पे मेरा ब्लॉग चल रहा है, मम्मी ब्लॉग देख रही है क्योंकि 5 बजे ब्लॉग आ जाता ना मेरा। और अभी आज का सीन ऐसा है, मतलब मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम थे उनके छोटे भाई की शादी है तो मेरे को स्पेशली इन्वाइट किया है। वाओ चलो वो सब तो छोड़ो, अपन चलने वाले 7 बजे समथिंग। और आज मैं पहनने वाला हूँ मेरा नया वाला सूट, देखो मम्मी हंस रही है मेरा ब्लॉग देख के। वाओ यही होता है भाई, ब्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ मैं, बस लोगों को खुशी हो। देखो सही है यार, सही है। बाकी आज अपने साथ जो चलने वाले हैं ना उनको देख के आप ऐसे सोचोगे कि भाई ये कौन है नया, ये किसको नया पकड़ लिया। नहीं बाकी बचपन का दोस्त है मेरा, चलते हैं ना। हाँ तो गाइज सेट देखो पापा भी आ चुके, बस मुझे ऊपर कोट डालना है। मैं सोच रहा हूँ कि बीच में मतलब जो कोटी आती है ना, मैंने 3 पीस सिलवाया तो कोटी नहीं पहन के जाऊँ, पर मेरी मम्मी है ना, मेरी माता जी पीछे पड़ रही के बोले भाई पहन के जा, सिलवाई किस लिए पहनूँ पापा, पहन के जा पूरा पूरा सूट, फिर ऐसे घर की शादी लगेगी ऐसे। गाइस आपका क्या कहना है? वैसे तो मैं सूट मतलब ऊपर का कोट पहन के जा रहा हूँ, और मेरे साथ पता है पापा कौन जा रहा है आज? कौन जा रहा मुझे पता है नहीं, तो सोचो थोड़ा कि कौन जा सकता है। विक्रम? नहीं विक्रम या नहीं, सोचो मेरा बचपन का दोस्त NBF के टाइम का। कौन जा रहा है? अनिकेत। अनिकेत देखो हो गए ना शौक बिल्कुल, अनिकेत जा रहा, आज ही फोन आया था उसका, मैंने उसको बोला अनिकेत और मैं जा रहे। मैंने व्लॉग में अभी तक किसी को दिखाया नहीं है कि कौन है अनिकेत क्या है, मतलब अभी फर्स्ट टाइम ही देखेंगे आप लोग भी। गाइस देखो मैंने ना पूरा मतलब सूट पहन लिया, लेकिन वो बीच में कोटी आती है वो पहनी नहीं है, तो मेरी मम्मी पता मेरे को क्या बोल रही कि इसकी शादी करा देते। गाइस मेरी शादी होने वाली है तो आप सभी को भी आना है, पधारना है सभी को। ड्रेस तो नहीं पड़ेगी, ड्रेस बन चुकी है इसलिए बोल रहे कि आप शादी भी करा देते। बाकी आप लोग बताओ कैसी लग रही ड्रेस, और ये मेरा मतलब है ना काफ़ी टाइम से सोचा हुआ कलर था कि मैं यही पहनूंगा अगर फर्स्ट टाइम पहनूंगा तो 3 पीस। बाकी आप सभी का क्या कहना है? वो पेन कोटी पेन देखो अभी भी, चलो पहन लेते ना। क्या भाई क्या हाल चाल है भाई, पता है कोई भी विश्वास नहीं करेगा अपन बचपन के दोस्त है कोई भी। पर ये बंदा स्मार्ट बहुत लग रहा है, और मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ अभी, स्मार्ट तो हो यार मैं। चलो आप भी हैंडसम है यार, अपन मेरे साथ हो गया तो सब हैंडसम है यार। बाकी आज अपन बिन बुलाया नहीं जा रहे जैसे पहले जाते थे ना। पर देखो पहले क्या हम लोगों को डर लगता था क्या, कोई एक बार सही भी हुआ था, लेकिन अब बार अब ऐसा रिस्क लेने का ही नहीं है अब तो, इसलिए हम पता है जो बुलाता है ना उन्हीं के जाते हैं। हम बिन बुलाए की शादी में भी इतना नाच कर आते हैं कि वो भी डर जाते कि ये है कौन सी साइड से। बोले भाई हमने बुलाया था क्या ऐसा बंदा यार कोई इतना डांस करने वाला। बाकी चलते बिना कैसी देरी के, चलो मिलते हैं। हाँ भाई फाइनली गार्डन के बाहर ही खड़े, रूड महल। पर पता है बाहर एक भैया बंदूक लेके खड़े, तो मेरे को ऐसा लग रहा है हैंडसम बंदे देखते शायद वो गोली मारने के लिए खड़े है ना भैया। ये खड़े दो खड़े पता है, फोटो बाद में भैया भाई से मिलते ही है ना सारी यादें ताजा हो गई मेरी भाई। बहुत भाई सच में वो दिन मेरे को याद है, हम नाचने वाले सच में। अभी रुको ना, पहले बता हम एक ही दिन में दो शादी में चल जाते थे बिन बुलाए, पर किसी को बताना मत। अपने तक ही रखना, शेयर भी करना। सही है, अंदर चलते हैं अंदर। कितना बढ़िया व्यू है देख। पता ही अंदर आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद ओवर ड्रेसिंग कर ली है, मुझे भी लग रहा है। शादी किसकी है? शादी तो भाई बता दिया ना गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में, सच है वो बात। पर यार अंदर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मम्मी ने मुझे गलत ही ऐसे कपड़े पहन के भेज दिए मुझे यार, क्योंकि एक तो ना तो भीड़ है और ना मुझे कोई जानकार मिलने वाला है। पर जो भी स्टाफ आएंगे ना मतलब स्कूल के, उनके साथ में मैं थोड़ा घुल मिल जाऊँगा, उनके साथ मिलूँगा तो अच्छा लगेगा। घुल और मिल देखो, अगर यहाँ पे आप लोगों को देखना एक बार,
देख पा रहे हो सारे को। और एक ये बंदा, ये ऐसा लग रहा है इसी की बहन की शादी है, और यहाँ ये मेरे को भी ले आया कुछ। गाइस मैं पहले ब्लॉगिंग करता था, मैंने छोड़ दी थी, लेकिन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पता रियल बात क्या है, इसने ब्लॉगिंग तब स्टार्ट करी थी जब बिल्कुल क्रेजी नहीं हुआ करता था। क्रेज तो क्या मतलब, आज से चार साल पहले मैंने स्टार्ट करी थी। आई थिंक सौरभ जोशी ने भी नहीं की होगी तब। अभी दूसरा सौरभ जोशी होता ही है। कोई नहीं, बस ठीक है, भाई को सब्सक्राइब कर देना, दिल से चाहता हूँ कि मैं सौरभ जोशी बनूँ। बनेगा, देखो आपको इतना स्मार्ट लड़का, ऊपर से वेल ड्रेसअप लड़का कहीं नहीं मिलेगा, कोई शादी में नहीं मिलेगा। शादी नहीं है, ये बेइज्जती। मुझे बेइज्जती फील हो रही है यार। से हाय टू चाचा। हेलो। पता है मेरा मन कर रहा है मैं एक एक बंदे से जाके हरकत करूं, पर मैं एक तो ये ओवर ड्रेसिंग ज्यादा कर ली यार। अच्छे लेकिन कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट कोई मतलब गाने वाले के पास पैसा चला जाता है। मेरी जान। आज कमाएंगा तो कल बैठ के खाएगा। सही नहीं लग रहा कि अभी हमें मस्त हो यार। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आज ओवर ड्रेसिंग कर ली। अच्छा लग रहा हूँ ना, बोलो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब ये बात। चलो कोई तो है जो मेरे को अच्छा बोल सकता है अभी। कहा है मैम पागल है क्या, इतनी ड्रेसिंग करके आऊंगा क्या मैं बिन बुलाए? अरे नहीं बेटे, मैं खुल के चलूंगा, अंदर मैंने कोटी और पहन रखी है। अभी मैम मुझे देखेंगे, मैम खुद बोल देंगे। ये हमारे एंकर साहब है, एंकर। गले ना। इस प्यार को क्या नाम दूँ? पुच्ची ले लो, पुच्ची। गाल पे दे दे, गाल पे। हाय ब्रो, हाय कर दो, हाय बोल दो, सब्सक्राइब ऐसे कर दो, न्यू फ्रेंड, मीट माय न्यू फ्रेंड। ऐसे दोस्त मिल जाए ना तो जल्दी उठ जाए मेरे चैनल। एक और, ओए सेकंड सेकंड, ओए यार ये वाली आवाज हमारे घर के एफएम में ही आती है, हमने लगा रखा वो तार वाल जोड़ के। Check it out, Hunt is really enjoying it. बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल और बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। जितने भी हमारे मेहमान हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सेटल डाउन हो जाओ, और उसके बाद ये शाम एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और विद्या बालन की जैसे एंटरटेनमेंट लेकर आने वाला हूँ आपसे। प्लीज सेटल डाउन। क्या चिल्लाए जी, क्या चिल्लाए जी, मेरे पुपा जी, पुपा जी आपके मम्मी देख रही है तो चोरी ढूंढ देता है। अब तो मुच्छी बड़ा तो कोई कांदो ही ढूंढ रही थी मारे कैसे तो मोगरो ढूंढो। धन्यवाद, खुश रहो। अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके, अच्छा लगा। ठीक ठीक कतरा भाई जो, कतरा भाई जो, अरे दो चार तीन होता तो मारूंगा ही उगाड़ लेता। पूछ रहे सवाल से चालू करेंगे अपन। ब्राइड जब स्टेज पे जा रही होती है तो कैसे चलती है बताओ, मम्मी का समा अगर आप नहीं करें। ब्राइड स्टेज पे कैसे जाती है, चलती है बताओ। वापस आओ, थोड़ा लंबा थोड़ा लंबा। ब्राइड ऐसे चलती है, दोनों बता रहे। आपके जैसे नहीं चल रहे, आप तो ऊंट के जैसे चल रहे हो। ऊंट के जैसे चल रही है तो कोई ना, कोशिश करो, हो जाएगा भाई। सबका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, बहुत जल्दी राजी हो गए।
ये तो मान भी गए ऐसे करके मैं ना पहनू। गाइस अब दिखाता हूँ आप सभी को प्रिंसिपल भाई को शर्म आ रही कि इस जगह व्लॉगिंग मत करना ऐसा कहना चाहता था। बच्चा भी बैठा है पास में। कॉपीराइट डालूंगा तुम पे। कॉपीराइट डालोगे क्या? एंकर शान खुद एंकर 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 यहाँ पे। चलो बढ़िया है बढ़िया। सारे भयंकर कैमरामैन दीपक चलोसिया जी। दूल्हा दुल्हन दोनों ही एंकर है और हमारे सचिन भैया तो है ही। देखो बात ऐसी होती है घर की शादी होती है ना तो 12 भी बजते। 12 क्या रात के अगले दिन भी रुकता लेकिन यार घर के नहीं थी। घर के भी नहीं थी भाई। सही है देखा जाए तो छोटे छोटे बीवी बच्चे छोटे छोटे बीवी बच्चे इसके पीछे हम जो भी बोल रहे हैं सब इग्नोर करो क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घर पे। भैया 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 पानी पिला दो। अरे पिरामिड गिरा दिया। भैया ऐसे बोल दो थैंक यू। थैंक यू बात। ओह सीधा घर पे मिलते भाई सीधा घर पे घर पे। पता नहीं है ये अरे ऐसे बोल दो सब्सक्राइब कर दो बस ऐसे बोल दो चैनल सब्सक्राइब कर दो। नहीं बोल रहे आप बनाओ। अरे यार ऐसे बोल रहे आप गलत वीडियो बनाओगे। भैया यार मेरे पास साइकिल है मैं साइकिल से आया हूँ और मैं इतना गंदा इंसान लग रहा हूँ इनको। बैकग्राउंड से साउंड दे रहे ना जो ये हाँ हूँ जहाँ दिखे वहीं पे ब्लॉक करो। भाई की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके इसको मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अधिकेत जैन 2631 वहीं पे ब्लॉक करो।